2023। कहने को तो महज एक और साल था, मगर आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए इस साल का हर एक दिन किसी युद्ध से कम नहीं था। नरेंद्र मोदी और उसकी तानाशाही सरकार ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को कुचला जा सके। वो तानाशाही की हद तक गए। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें करने का कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जैसे जैसे साल बीतता गया, वैसे वैसे मोदी और भाजपा राजनीति का स्तर और गिराते रहे। उन्होंने जेल में बंद सत्येंद्र जैन को खूब सताया, उन्हें यातनाएं दी। सत्येंद्र जैन की हालत बद से बदतर हो गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धोखा देकर भाजपा में जाना उचित नहीं समझा। मोदी यहीं नहीं रुका, उसने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी साजिश के तहत गिरफ्तार कराया। आखिर गरीबों के बच्चों को शिक्षित बनाने वाला भाजपा को कैसे पसंद आ सकता है? भाजपा की राजनीति ही देश के गरीबों को भूखा और अनपढ़ रखने से जो चलती है। संजय सिंह उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने देश के सामने संसद में मोदी अडानी गठजोड़ को उजागर किया है। संजय सिंह को भी गिरफ्तार होकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मगर कहते हैं ना, भगवान अगर ईमानदार लोगों की परीक्षा लेते हैं तो उन्हें फल भी वही देते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ। इसी साल आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय दल का तमगा मिला। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी इसी साल हुए, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दिल्ली से साफ कर दिया। भले हमारे कई नेता जेल में क्यों ना हों, केजरीवाल जी ने दिल्ली में विकास की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। चाहे वो G20 के लिए दिल्ली को चमकाना हो, या दिल्ली में जगह जगह नए स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक खोलना हो, फ्लाईओवर बनाना, चाहे हजारों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजना, दिल्ली में विकास की यात्रा जारी रही। दिल्ली नहीं, पंजाब में भी आप सरकार ने 37,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देकर जनता का दिल जीता है। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में जगह जगह हजारों करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, जिसमें बठिंडा में 1,125 करोड़, गुरदासपुर में 1,850 करोड़ और होशियारपुर में 850 करोड़ के विकास कार्य शामिल हैं। आज जब हम 2024 की दहलीज पर खड़े हैं, तब आम आदमी पार्टी के सामने एक नई चुनौती है। अब मोदी का अगला निशाना अरविंद केजरीवाल है। वो अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। मगर वो भूल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। मैं भी केजरीवाल कैंपेन में अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का प्यार और समर्थन मिला है, उससे नरेंद्र मोदी को भी साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी का ये कारवां 2024 में भी यूं ही संघर्ष की राह थामे रखेगा। चलेगा तो सरकार जेल चलानी चाहिए इनको। के पक्ष में जेल भेज दे, औलाद का सेवा करेगी जो उसने करी है। बीजेपी की सरकार चाहती है कि दिल्ली की सरकार गिर जाए किस तरीके से, लेकिन ईमानदार होने की वजह से, कट्टर ईमानदार होने की वजह से, पब्लिक का शुक्रवास मिलने की वजह से उनको कोई हिला नहीं सकता है। हम तो यही चाहेंगे केजरीवाल साहब को जेल नहीं जाना, अगर जेल जाते भी हैं तो भी सरकार चलाते रहे, जहाँ जेल से ही क्यों ना चलाना पड़े, सरकार चलाए, बिल्कुल चलाए जेल। आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना या सरकार बनाना कभी नहीं रहा। आपका जन्म ही इस लक्ष्य के साथ हुआ था कि इस देश की राजनीति को बदलना है, तौर तरीके बदलने हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है, जिसने भी क्रांति की लौ जलाई, जिसने भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे जेल जाना पड़ा है। आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर कार्यकर्ता तक जेल जाने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़ाई भारत को शिक्षित,
समृद्ध और दुनिया में नंबर एक बनाने की है, जिसमें पूरा देश उनके साथ है।